हेलो व्यूअर्स, राज टेक्निकल ब्लॉग्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हमारे घर का बेसिन है और इसी के ऊपर आज वीडियो होगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह हमारा पैरीवेयर का बेसिन है। सबके घर में इस तरह का बेसिन होता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर कब आती है, जब आपका जो ये ड्रेन पाइप है, ये रबड़ की जो ड्रेन पाइप होती है, ये हमारा, ये देखिए हमारा ये डाला हुआ है अंदर। ये चूहा हमारा नीचे से कुतर देता है रात में। रात में देखिए यहाँ से चूहा कुतर देता है। तो मैंने इसका इलाज ये किया है कि आपके पास जो घर में जो बिजली की पाइप होती है, देखिए ये 2 mm की बिजली की पाइप है। बिजली की वायरिंग वगैरह करने वाले लोग रखते हैं घर में, भी छोटा सा टुकड़ा वगैरह आपके पास रहता होगा इस तरह का। तो आप क्या कीजिए, ये जो पीवीसी पाइप होती है इस तरह की रबड़ की, उसमें आप ये पीवीसी पाइप को कट करके इसके नीचे में फिट कर लीजिए। ये बहुत आसानी से, ये 2 mm की बिजली की पाइप होती है, इसको आप हैक्सो ब्लेड से या आरी से कट कर लीजिए और इसके अंदर फिट कर लीजिए। फिट करने के बाद क्या होगा, दूसरा समस्या क्या आ सकता है कि जब आप इसको फिट कर लीजिएगा, आप डायरेक्ट मान लीजिए ये रबड़ का पाइप को फिट कर दीजिएगा अंदर, तो चूहे रात में आपके पीछे से ये 3 इंची के पाइप के अंदर घुस के आपके इस रबड़ के पाइप को काट देंगे। तो आपको काटने से बचाने के लिए आपको ये जो कड़ी वाली पीवीसी पाइप आती है, ये 2 mm की बिजली की पाइप है, इसको आप इस रबड़ के पाइप के अंदर घुसा दीजिएगा करीबन 1-2 इंच और इसके अंदर डाल दीजिएगा। दूसरी दिक्कत यह आती है कि ये जो 3 इंच का ये नीचे का पाइप है, उसके ऊपर ये 3 इंची की जाली लगी हुई है, तो ये चूहे इसको धक्का मार के इस जाली को निकाल देते हैं रात में और अंदर आपके घर में एंटर कर जाते हैं। तो इसका समस्या मैं ये सॉल्व किया हूँ कि आप जो देख रहे हैं ये हिस्सा, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने ड्रिल मशीन से यहाँ पर ड्रिल कर दिया है। एक ड्रिल यहाँ किया है, एक ड्रिल यहाँ पर किया है, एक ड्रिल इस पाइप के पास सामने में कर दिया है, एक साइड में कर दिया है, एक साइड में, और इस तरह के पतले तार से उसे बांध दिया है। ये देखिए, ये 1 mm का ये तार है, लोहा बांधने वाला तार है जो छत के शटरिंग वगैरह में लगती है, 1 mm वाली। इससे मैंने इसके अंदर घुसा के इस तार को 1, 2, 3 और 4 जगह से इसको बांध दिया है अच्छे से, ताकि ये चूहे अंदर से रात में धक्का मारे भी तो ये जाली आपकी निकले नहीं। और इसके अंदर मैंने ये पीवीसी की पाइप घुसा दी है, ये वाली बिजली की जो 2 mm की पाइप आती है, ये लगा दी है इसके अंदर। और इसके अंदर इस पाइप को मैंने फिट कर दिया है। अब इसको फिट कर देने के बाद चूहे अगर आपके अंदर के तरफ से इस पाइप को काटना भी चाहेंगे, तो ये सिर्फ पीवीसी पाइप ही आपका कटेगा। और इस तरह की घर में छोटी छोटी पाइप होगी, अगर कट भी जाएगी तो आप इसको चेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके अंदर एक नया पाइप कड़ा वाला ठूंस दीजिएगा, ऐसे उनके दांत ख़राब हो जाएंगे चूहे के, इतने कड़े पाइप काट नहीं पाते। ये रबड़ की पाइप अंदर में घुसी भी रहती है तो इनको ये लोग रात में चबा जाते हैं और यहाँ से पानी गिरने लगता है घर के अंदर, कुछ इस तरह से। हम इसको लगा देंगे। और ड्रिल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। घर में आपके पास इस तरह का कंपास होगा, इसको चूल्हे पर गर्म करके यहाँ पे होल कर लीजिए, यहाँ पे होल कर लीजिए, यहाँ पे होल कर लीजिए और यहाँ पे होल कर लीजिए, और तार घुसा के इसमें आपस में अंदर बाहर तार घुसा के इसको बांध दीजिए। ये भी नहीं है आपके पास तो इस तरह का, आपके पास अगर ये आपके पास इस तरह का सुआ है, पिक टूल इसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको भी आप गैस पे गर्म करके आप यहाँ पे छेद कर लीजिए चारों जगह पे ये 3 इंच के पाइप में, और ये पतली सी तार को ये चारों डायरेक्शन में बांध दीजिए। आपका ये जो 3 इंच का जाली है, स्टील की जाली, ये निकलेगी नहीं। और ये 3 इंच के नीचे में जो आप देख रहे हैं, ये 3 इंच की एल्बो है जो पीछे रेलिंग या बैल्कनी की तरफ निकलती है, और रात में चूहे आपके रेलिंग या बैल्कनी से इधर घुसने की कोशिश करते हैं। और इस तरह का आप 2 mm का ये बिजली का पाइप आप इसके अंदर कट पीस लगा के इसको इस तरह से सेट कर दीजिए। अब होगा क्या इससे कि आपके आपका जो ये पाइप है ये ऊपर की तरफ रहेगा, तो ये पाइप कटेगा नहीं, जब भी चूहे कुतरेंगे तो यही वाला कुतरेंगे। और इस तरह से बांध देने से चारों तरफ से चूहे आपके आएंगे नहीं घर में।
ये जाली खींचते भी रहिएगा। हम देखिए इसको पिलास से मैंने मोड़ के टाइट कर दिया है, ये खींचते भी रहिएगा तो आप ये जाली निकलेगी नहीं। ठीक, इसी तरह से मैंने अपने किचन में भी किया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। किचन में भी ये देख लीजिए हमारा ये जाली है, इसमें भी चूहे ने इस तरह से कुतर दिया था हमारा पाइप, तो हमने 2 mm का इसमें पाइप ठूंस दिया है। ये देख लीजिए, पाइप ठूंस देने से चूहे अगर कुतरेंगे भी तो ये पाइप को कुतरेंगे, बिजली वाले 2 mm के पाइप को, बिजली की ये पाइप आती है, इसको अंदर में आप थोड़ा सा ठूंस दीजिए तो ये फिट हो जाएगा और इसको लगा दीजिए। तो ये था हमारा वीडियो, अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव, तो आप मेरे चैनल राज टेक्निकल ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।